मोदी जी की सरकार आएगी और 400 पार जाएगी। बीजेपी बेहतर है, बीजेपी बेहतर। कांग्रेस के जमाने में गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं होता, यही कहेगा और क्या है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं, यहाँ पर जानने के लिए आए कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता इस बार क्या सोच रही है। हालांकि NDA वर्सेस इंडिया का संग्राम छिड़ गया है, कौन कितनी सीटें लाएगा। वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, तो देखेंगे क्या 400 पार हो पाएगा या नहीं। जनता से सीधे जुड़ेंगे। सरकार किसकी लग रही है? केजरीवाल का। केजरीवाल का, हाँ। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। बोलना आता नहीं है, बोल। क्या लग रहा है भैया, किसे देख रहे हैं? चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं इस बार? मुझे मालूम है भाई, मैं बाहर का हूँ। यहाँ का विदेश की हो गया? हाँ, विदेश का ही समझ। इसपे नहीं कमेंट, कोई नहीं दे। मोदी आएगा, मोदी मोदी मैम, मोदी जी की सरकार आएगी और 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी, मोदी की सरकार आएगी, 400 पार जाएगी। हाँ, किस मुद्दे के साथ? प्राण प्रतिष्ठा, जातिवाद मुद्दे के साथ और विकास के साथ। जो विकास किया हुआ है उन्होंने, विकास के मुद्दे के साथ 400 पार जाएगी। जनता कह रही है विकास हुआ ही नहीं है। विकास बहुत ज्यादा हुआ है, विकास बहुत ज्यादा हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। कहाँ नहीं हुआ वहाँ बताइए, जहाँ विकास नहीं हुआ हो। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी की बात। महंगाई भी असर पर ठीक है, महंगाई खर्चा होगा, विकास होगा तो खर्चा होगा। फ्री में कोई काम नहीं होता मैडम, इतने जो है फ्लाई ओवर है, नहर सब सेंट्रल के रोल बने हैं, काम होगा तो पैसा लगता है ना। इतनी महंगाई नहीं, सब्जी के दाम बढ़ गए, आटे के दाम बढ़ गए, सब चीज के मांगे हैं, उसी हिसाब से पैसे भी बढ़े हैं लोगों के। चार गुना दाम बढ़ गए हर एक चीज, चार गुना। कोई दाम नहीं बढ़ा, GST पहले भी थी मैडम। हाँ, कोई नई GST थोड़ा लगी है, पहले भी GST थी। हाँ, मोदी की सरकार आएगी और 400 पार जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी वैसे ही कह रहे हैं, राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं आने वाला। प्रधानमंत्री लायक चेहरा आपको, मतलब पूरा इंडिया में कोई लगता है मोदी के सिवा? कोई नहीं है, ऐसा क्यों? कोई चक्कर में है ही नहीं। हाँ, तो वही रहेंगे हमेशा, वही रहेंगे। काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हम वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और बिहार में तो अभी BJP का सरकार है। काम बहुत हुआ है, बहुत हो भी रहा है। अच्छा। हाँ, उसके सिवा कोई नहीं है। 400 पार कह रही है कांग्रेस, लगाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, बोलने में कुछ नहीं जाता है, हम भी बोल देंगे 400 पार, लेकिन सरकार मोदी का ही आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा मोदी ने बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया? G20 करवाया अपने देश में, तो नहीं था, होना कैसे था, संभव नहीं था, मोदी को जब संभव हुआ है, बहुत सारा काम किया। रोजगार मिल रहा है? हम तो यहाँ बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? हाँ, मान लो माल महीने का वही 50-60 हज़ार, 1 लाख। रोजगार भी दे रहे होंगे आप लोग? हाँ, 20 आदमी मेरे अंदर काम करते हैं। अच्छा। खारी बावले में, खारी बावले हमारा मखाना काम है, ड्राइवर। अच्छा। तो अब मान लो GST है, GST आया, हम लोग तो काम करते हैं, विदाउट GST किसी को माल देते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं। अब हम 5 लाख का माल दिए, मान लो माल दिए विदाउट GST का, हमें कोई सबूत नहीं है, उससे हम पैसे नहीं ले सकते। अगर GST पे माल दे रहे हैं, 5% हमें टैक्स भरना पड़ता है, मखाना के अंदर 5% टैक्स लगता है। अगर टैक्स पे करके फिर हम माल देते हैं, पैसा जो है वो अपने आप घर पहुंचाता है। इससे पहले हमारा कई लाख बुड़ चुका है, जब GST पर नहीं काम कर दिया। महंगाई बेरोजगारी का है या नहीं है? नहीं, देखो बेरोजगारी खत्म होगा। अब मान लो आप बोलोगे कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए, काम धीरे धीरे हो रहा है और चल रहा है और होगा, बेरोजगारी बहुत खत्म हुआ है। कैसे? बहुत युवा को देख रहे हैं, सारा अपना अपना काम कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा है, नौकरी की जहाँ तक की बात है, तो इस बार सरकार बनेगी तो नौकरी भी आएगा। नौकरी वैसे भी आ रहे हैं, रेलवे में भर्ती हुआ था, पेपर लीक हो जाता है, ये बिहार, ये उनका सिस्टम का कमी है। मोदी जी करवाते हैं क्या? सिस्टम कौन संभाल रहा है? सिस्टम तो संभाल ले आप, मान लो हम 100 आदमी का कमेटी है, उसमें अगर कोई ऐसा कर दिया तो अब सिर्फ वहाँ मोदी 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 मोदी, ऐसा नहीं होता। एक आदमी को बदनाम नहीं कर सकते हैं, या कोई भी आदमी। अगर सीखे, जैसे बिहार में हर पेपर, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हम भी बिहार पुलिस का 2 बार 3 बार एग्जाम दिए हैं। अच्छा। पेपर लीक हो गया,
अब हम पास होते नहीं होते इसका गारंटी, लेकिन लीक हो गया बहुत आदमी को नुकसान तो हुआ ही हुआ, बिहार में तो होता ही अक्सर ही होता है। लेकिन उसमें अब सरकार का क्या गलती होगी, सरकारी करवाता है थोड़ी ना, इसका सिस्टम भ्रष्ट पदाधिकारी है उसको उसी सिस्टम में लाना चाहिए। मोदी अभी 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 ये लो ना, अभी ये केजरीवाल केजरीवाल घोटाला किया जेल में है, बीजेपी में देख लो, हाँ यूपी में देख लो, सारा गुंडागर्दी जेल में। चंदा के बारे में पता नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मुझे नहीं पता। अरे ये बताइए कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की तो देख रहे हैं राजस्थान के, चौबीस के चुनाव कौन जीतेगा, मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा किस मुद्दे के साथ जीतेगा, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, मोदी जीतेगा, मोदी किस मुद्दे के साथ, किस मुद्दे के साथ, महंगाई बेरोजगारी लगती है नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। अच्छा आप क्या कह रहे थे भैया, हम नहीं बोल रहे, नहीं जीतेंगे मोदी जी, नहीं नहीं, ये यही मिला है मुझे। अच्छा हाथ मिला रहे हैं, कह रहे हैं हाथ तो इन्होंने पकड़ा है अभी, आप बोलो मत। अच्छा हम ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन को तो कुछ समझ नहीं रहे, हमारे गांव के वार्ड पंच से बीजेपी के, इसलिए ये बीजेपी से इसलिए तारीफ कर रहे हैं। और आप बताइए कैसे रहे आपके लिए, अच्छे नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे, मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, आ गए दिन, अच्छी रातें आ गई, अच्छे दिन कहाँ आए, अच्छे दिन नहीं है। माता हवाई जहाज जो हवाई चप्पल पहनेगा आपने पहनी भी है, हवाई जहाज की यात्रा की है नहीं, ये कहाँ है हवाई चप्पल, ये महंगे चप्पल है, चप्पल दिखाओ आप। अच्छा ये बताइए हवाई जहाज की यात्रा की है नहीं, हाँ नहीं की है, वो तो पहले भी की थी हमने मोदी जी के आने से पहले भी, मोदी जी के आने 400 पार का नारा दे रहे मोदी जी, वो तो आप देंगे ही, आप मजबूत रहो, लठा रहो, मुंह तुम्हारा भाई देख ले, मजबूत रहो, मजबूत लठा रहो, रविंद्र सिंह वाली भाषा बोल रहे हैं। अच्छा। राजस्थान राहुल गांधी लग रहे हैं कि इनकी बात नहीं, 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 नहीं। अभी पीछे राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी कब बोला, नहीं नहीं वो इसको बोला था, महंगाई की बात करें, महंगाई है, महंगाई तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, बेरोजगारी वो नहीं चलनी चाहिए, वो नहीं चलनी चाहिए। भैया किसे देख रहे प्रधानमंत्री, मोदी जी, 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 किस मुद्दे के साथ आएंगे मोदी जी, विकास के साथ आए हैं, विकास बहुत बढ़िया किया जी, क्या क्या विकास कर दिया, रोड बनवा दी और क्या चाहिए मैम हम लोगों को, और क्या चाहिए, अच्छा। बस जी रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार भी है, कोई दिक्कत हो रही है करने वाले के लिए, रोजगार कमी है, रोजगार मिलता ही रहेगा जी, काम करने वाले जो रोड बनाएगा वो रोजगार ही तो है, जो व्यक्ति ये रोड बनाएगा उसको रोजगार मिला होगा तभी तो रोड बनेगा, और जो रोड पे जो सफर करके जो इस यहाँ से वहाँ जाएंगे उनकी वजह से उनका व्यापार बढ़ेगा, तो वो व्यापार बढ़ेगा तो हम लोगों को फायदा होगा, हम लोग युवाओं तो जब युवा के काबिल रोजगार पे पैदा होती, कौन सा व्यक्ति व्यापार पे निकल जाता है, कमाने कब निकलता है, जब 18 से ऊपर का होगा तभी तो कमाने निकलेगा, या उससे पहले भी निकल जाता है, कितने बच्चे बहुत पढ़ लिख के कब मिलेगा, पढ़ लिख के 18 के बाद तो मिलेगा ही, हाँ हाँ। जब बंदा पढ़ लेगा, सब डिग्री है, योग्यता भी है, स्किल भी है, तो कब मिलेगा रोजगार फिर, ये तो उसके हिसाब से, वो किस तरह की उसने पढ़ाई करी है मैम, सारी पढ़ाई करी है फिर भी क्यों नहीं मिल रहा रोजगार, तो मैम ये इसका जवाब दे पाना तो मुश्किल है फिर, इसका सभी सवालों के जवाब पढ़ते हैं न्यूज पेपर वगैरह, हाँ हाँ बोलिए, कितनी वैकेंसी है खाली पता है कुछ, लाखों में मैम, लाखों में, हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने क्या वादा किया था, बातें तो सब ठीक करते हैं, 2 करोड़ रोजगार का कितने, हाँ, दे रही अभी तक इसकी जानकारी मुझे दी, कितने रोजगार दे रही है आप लोगों के, हाँ, इस ये डाटा सिर्फ आप लोगों के पास है, हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, हम लोगों के लिए, हम जो जिन चीजों के लिए यहाँ से वहाँ तक आते हैं हमें उसमें चीजों में लगती है, नहीं लगती है, महंगाई है अभी, महंगाई है तो फिर क्यों मोदी, ये बताइए, मुद्दा सिर्फ राम मंदिर रह गया क्या, नहीं 370 राम मंदिर, राम मंदिर पहले भी था, 370 पहले भी था, ये सारे मुद्दे आप अपने तरह आप अपने नजरिए से देख रहे हैं, हम अपने नजरिए से देखते हैं, हमें अपना व्यापार अपना काम सिर्फ, क्योंकि आज के टाइम में हर एक व्यक्ति अपना काम जो पहले देखता है, आसपास का बाद में देखता है, अपने हिसाब से आप अगर देखें तो मुझे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवा ही भविष्य है ना देश का, बिल्कुल, और आप भी युवा है और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं,
बातें तो देश मजबूत रहेगा तभी तो आप यहाँ अपने रोजगार जब करने जब करने वाला होगा तो उसको बिल्कुल रोजगार है। अब ये किसी भी सरकार में किसी को रोजगार नहीं मिला इसके बाद में भाई मैं महीने का 1.5 लाख कमाता हूँ। अच्छा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं यही काम करता हूँ, चांदी को जाऊंगा अपना काम करता हूँ। किसी का काम? ड्राई फ्रूट का काम है, मेरा व्यापार है अपना। अच्छा। मैं 1.5 लाख का कमाता हूँ। अच्छा। मैं यही आज 18 साल की उम्र में आया हूँ, व्यापार करते हुए मैं आज 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। 18 साल की उम्र में? जी 18 साल की उम्र से आया हूँ यहाँ पे। कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे होगा 20 साल। 20 साल जी हाँ। दोनों सरकार देखी थी आपने? जी हाँ, दोनों देखी मैंने। कौन सी बेहतर? ये बीजेपी बेहतर है। बीजेपी बेहतर है। कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर नहीं मिलते थे, कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर नहीं मिलते थे, 22 दिन पे आता था। अच्छा। अब तो आज ये बुक करो आज ही आ जाए तो सुविधाएं सारी है, सुविधाएं सारी। 400 का सिलेंडर मिलता तो जो सरकार जो भी आएगी ना, सरकार जो भी आएगी वो बड़े महंगाई तो रहेगी, महंगाई कम रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बढ़ता है। हमारी बड़ी पगारे भी तो बढ़े हैं ना मैडम, आप ये भी तो देखो ना, हमें पगार गवर्नमेंट तनख्वाह कितनी थी पहले बताएं, कितनी सैलरी थी आपको बताओ? डाटा डाटा आपके पास होता है, आप लोगों के पास डाटा होता है ना, कितनी सैलरी होती थी एक बार बताएं, सैलरी कितनी होती थी? 1800 रुपए थी शुरुआत में जब आया था। 1.5 लाख कमा रहे हैं आज? मैं अपना व्यापार कर रहा हूं, 1.5 लाख कमा रहा हूं। अच्छा जी हां। करने वाला बंदा हो मैम तो कुछ भी कर सकता है, ये संभव नहीं है कि कमा सकता है हर बंदा। कुशलता होनी चाहिए, कमा सकता है हर बंदा। ये नहीं कि हम सरकार के भरोसे बैठ जाए, फालतू की डिग्रियां ले लें और डिग्री लेके हमें व्यापार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, सब कुछ है। कौन देगा फिर नौकरी? कौन देगा अगर सरकार भी नहीं देगी तो नौकरी? कौन कुशलता होनी चाहिए अपने अंदर ना, कुशलता भैया सब कुछ है। नहीं है जी, जिसके पास कुशलता मिल रही है। अंकल किसे देख रहे? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हाँ जी, प्रधानमंत्री तो आपके यही बनना है, मोदी जी। अच्छा, किस मुद्दे से बनेंगे? बनी जाएंगे, काम ठीक कर ही जाएगा, कोई बुरा तो करी ना। अच्छा, बुरा क्या कर रहे हैं? देश बेच रहे? नहीं नहीं, कोई नहीं, बेकार की बात, बेकार की बात है, विपक्ष बेकार की बातें करता है। बिल्कुल बेकार की बात, विपक्ष कोई मुद्दा नहीं होता यही कहेगा और क्या है, जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, विपक्ष के हाथ यही है, कहता है कि देश बेच रहा, कुछ ना कुछ उल्टी उल्टी बातें कहेंगे और क्या करेंगे। 400 पार का नारा दे रही है, 400 पार का नारा, तो बाकी तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं, तो मैं तो अपनी दुकान जमा सुना होगा, दीवारों पे अखबारों पे सब जगह चल रहा है। नहीं नहीं, मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर चांदनी चौक में मौजूद थे। देखना यही होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, बड़ा सवाल है। उस बड़े सवाल के साथ आपको यही छोड़ के चलते हैं। आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।